गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लेक्चर एंड अवर टुडे सब्जेक्ट इज हिंदी। तो हिंदी में हमने लास्ट टाइम स्टोरी की थी चूचू और लीली, जिसमें चूचू थी वो एक चूहा था और लीली एक बिल्ली थी। जो चूचू चूहा था वो बिल्ली को परेशान करता था और बाद में उसे बचाया था। आज हम न्यू स्टोरी करने वाले हैं कूड़ेदान की सीख। सो लेट्स सी। एक दिन गोलू और मोलू अपने दोस्तों के साथ बाग में पिकनिक करने गए। यहाँ पर देखो, ये है वो जो मोलू है और ये है गोलू। ये बॉय का नाम गोलू है और ये बॉय का नाम मोलू है और ये इसके फ्रेंड्स है। उसके साथ वो गार्डन में पिकनिक में गए। सब बच्चे खाने के लिए कुछ कुछ सामान लाए, यानी कि जब हम पिकनिक में जाते हैं तो ऑब्वियसली हम साथ में कुछ लेकर जाते हैं। तो पिकनिक में जब हम जाते हैं तब कुछ ना कुछ नाश्ता साथ में ले जाते हैं। तो सब बच्चे नाश्ता लेकर आए। उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के बाद कूड़ा आसपास फेंक दिया। इट्स वेरी बैड हैबिट, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, वेफर्स है, चिप्स है, तो उसका जो कचरा होता है वो हम कहीं भी फेंक देते हैं। जो कचरा है वो हमेशा हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर हम कोई भी सड़ी हुई चीज़ हम बाहर फेंकेंगे तो उसमें मक्खियाँ बैठेगी, फिर बहुत सारे रोग होंगे, यानी कि बहुत सारी बीमारियाँ होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कोई भी कचरा है वो हमारे डस्टबिन में डालना चाहिए। तो जो बच्चे थे उसने खाने के बाद चीज़ें है वो कहीं भी फेंक दी। यहाँ पर देखो, कचरा किया हुआ उसने आसपास फेंक दिया। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो कचरा जब फेंका तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी कि कोई रो रहा है। तब रोने की आवाज़ सुनाई दी। तब जो मोलू है उसने पूछा, क्या तुम सबने किसी की रोने की आवाज़ सुनी? कि आप सबने रोने की आवाज़ सुनी? हाँ गोलू, पर यहाँ कौन रो रहा है? तो मोलू है उसने पूछा कि यहाँ पर कौन रोएगा, यहाँ तो हम सभी फ्रेंड्स हैं। तो तभी तारा की नज़र कोने में रखे हरे कूड़ेदान पर पड़ी। यहाँ पर जो कोने में डस्टबिन पड़ी थी वो रो रही थी। उस पर जो ये गर्ल है तारा नाम की, उसकी नज़र इस पर पड़ी कि कूड़ेदान क्यों रहा है, डस्टबिन है वो क्यों रो रही है। उसने देखा कि कूड़ेदान रो रहा है। तारा और सब बच्चे कूड़ेदान के पास गए। तो तारा ने देखा कि ये डस्टबिन क्यों रो रही है, तो सब बच्चे है वो वहाँ पर गए। तो तारा है उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कोई रो रहा है तो हम पूछते हैं ना कि तुम क्यों रो रहे हो। तो बच्चों, मेरा नाम कुड़कुड़ कूड़ेदान है। कूड़ेदान का नाम क्या है? कुड़कुड़ कूड़ेदान। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि तुमने कूड़ा इधर उधर फैलाया है और मुझ में नहीं डाला। तो डस्टबिन है वो सेड हो गया कि जो डस्ट है वो सब आपने नीचे डाल दिया है, मुझ में तो नहीं डाला, इसलिए जो डस्टबिन है वो रोने लगी। कुड़कुड़ की बात सुनकर बच्चे हैरान हो गए, यानी कि कुड़कुड़ ने कहा कि आपने मुझ में डस्टबिन में कोई भी कचरा नहीं डाला, तो आपने सब जगह स्प्रेड किया है डस्ट, तो इसलिए वो दुखी है। इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हें गंदा नहीं किया। वैसे भी कूड़ा तो कूड़े वाला बाग में से उठाकर ले जाएगा। यानी कि जो मोलू है उसने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि हमने डस्टबिन में नहीं डाला है और नीचे डाला है, तो इस तरह से तुम गंदे नहीं हुए और पूरा जो कचरा है वो कूड़ेदान वाला तो उठाकर ले ही जाने वाला है। मुझे गंदा होने से दुख नहीं होता, मुझे तो कूड़ा वाला हर रोज़ साफ कर देता है। तो डस्टबिन ने क्या कहा कि मुझे गंदा होने में दुख नहीं हो रहा है, आप जब रोज़ जो कूड़ादान में नहीं बल्कि नीचे जो फेंक रहे हैं कूड़ा उससे, तो मुझे इससे दुख हो रहा है। मैं तो कूड़ेदान वाला हर रोज़ साफ कर देता है कूड़ा, यानी कि डस्टबिन रेगुलरली हमारी साफ होती है। मैं तो तब दुखी होता हूँ जब इधर उधर फेंके हुए कूड़े को खाकर जानवर बीमार होते हैं। आप जब डस्टबिन में नहीं रखता और बाहर फेंकते हो तो आपको पता है कि अगर हम कुछ भी गंदी चीज़ें बाहर फेंकते हैं तो आपके घर के पास काँव यानी कि गाय आती है, वो गंदा कचरा खाती है, तो जो दूसरे एनिमल्स है वो भी जो गंदा कचरा है, कुत्ते होते हैं गली के, वो सारा डस्ट खाते हैं, तो इससे वो बीमार पड़ते हैं। तो इससे डस्टबिन को बहुत ही दुख होता है। फैले हुए कूड़े पर मक्खियाँ आकर तुम्हें भी बीमार करते हैं, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया था पहले कि अगर आप डस्ट नीचे डालते हैं कहीं भी फेंकते हैं तो उसमें मक्खियाँ बैठती है और हमें उससे बीमारियाँ होती है, यानी कि जो गंदा कचरा होता है उस पर मक्खियाँ बैठती है। उसके बाद जो हमारा घर पे फ्रेश खाना बना होता है उसमें मक्खियाँ आकर बैठती है और वो हम खाते हैं, तो उससे हमें
पेट दर्द और बीमारियां बहुत सारी दूसरी भी होती है, तो कचरा हमेशा है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। कुड़कुड़ की बात सुनकर बच्चों को अपनी गलती समझ में आ गई, यानी कि पिकनिक में जो बच्चे गए थे उसने कूड़ा कहाँ पर फेंका था, नीचे ग्राउंड में फेंका था, तो डस्टबिन ने कुड़कुड़ कूड़ादान था, डस्टबिन थी, उसने समझाया बच्चों को, तो उसकी बात समझ में आ गई और उसने एक्सेप्ट उसकी गलती की। उन्होंने कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया, यानी कि जो कचरा किया था बच्चों ने वो उठाकर उसने डस्टबिन में डाल दिया। कुड़कुड़ खुश हुआ, यानी कि डस्टबिन में जब डस्ट डाला तो डस्टबिन है वो हैप्पी हो गई। बच्चों से वादा करवाया कि वे हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे, तो कचरा है वो कहाँ पर डालना चाहिए, हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। वादा करो कि तुम कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालोगे। कुड़कुड़ जो कुड़कुड़ कूड़ेदान था उसने क्या कहा कि प्रॉमिस करो कि जो डस्ट है वो हमेशा डस्टबिन में ही डालोगे। तो बच्चों ने प्रॉमिस किया, हम वादा करते हैं हम अब कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे, हमेशा कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालेंगे। तो स्टोरी का जो मेन है, तो मेन जो आपको सीख थी वो क्या कि जो डस्टबिन में है हमें उसमें ही कचरा डालना चाहिए, इधर उधर कहीं भी कचरा नहीं डालना चाहिए, उससे दूसरों को भी तकलीफ होती है और हमें भी बीमारियां होती है। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें और गंदगी ना फैलाए। ओके बच्चों, तो आपको डस्टबिन में ही हमेशा कचरा फेंकना है, कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना है। तो आज की हमारी जो कूड़ेदान की सीख थी वो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।